हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशंस यूट्यूब चैनल और अनअकैडमी ऐप पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स है। यह वन लाइनर्स करंट अफेयर्स जीके और इसका डिस्क्रिप्शन आपको हमारे इस वीडियो में दिखाया जाएगा। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। यह करंट अफेयर्स आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं आपका अनअकैडमी ऐप पर एक एजुकेटर हूं, तो अनअकैडमी ऐप पर मेरे द्वारा राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट है, रिसेंटली वन ऑफ इंडियाज फाइनेस्ट लॉयर एंड ए फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर राम जेठमलानी हैज पास्ड अवे इन द एज ऑफ 95 ईयर। हाउ मैनी टाइम्स ही वॉज ए राज्यसभा मेंबर्स। अभी हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व, वकील और फॉर्मर यानी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री राम जेठमलानी का निधन हो गया है। वह 95 वर्ष के थे। हमारा क्वेश्चन यह है कि वह कितनी बार राज्यसभा के मेंबर, राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। तो इसका राइट आंसर है 6 टाइम, 6 बार। राम जेठमलानी के बारे में बात की जाए तो राम जेठमलानी जी ने 17 वर्ष की आयु में वकालत शुरू की थी। 17 ईयर्स के जब वो थे तो उन्होंने अपनी वकालत, लॉयर जो बने थे वो 17 ईयर्स की एज में शुरू की थी। और उसके अलावा बात की जाए तो उन्होंने करीब 76 साल तक वकालत की। वह प्रेसिडेंट ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और इसके साथ ही साथ बात की जाए तो वह एनडीए के एक वरिष्ठ नेता थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे प्रसिद्ध केस, जैसे कि कानी मोजी का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था, आसाराम बापू का केस था, वो भी लड़े थे। नेक्स्ट, व्हेन वाज इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। तो राइट आंसर है 8 सितंबर। और इस बार जो 2019 ईयर जो 2019 है उसका इंटरनेशनल डे लिटरेसी डे की जो थीम थी, वह थीम क्या थी? लिटरेसी एंड मल्टी लिंगुनिज्म, लिटरेसी एंड मल्टी लिंगुनिज्म। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पीएम नरेंद्र मोदी, हाउ मच मनी विल बी स्पेंडेड ऑन जल जीवन मिशन इन नेक्स्ट 5 ईयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार अगले 5 वर्षों में जल जीवन मिशन पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है 3.5 लाख करोड़ रुपीज, लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट, वेयर वाज द 68th प्लेनरी सेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बिगिंस। 68वां प्लेनरी सेशन सत्र नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का कहां पर शुरू किया गया है? तो वह गुवाहाटी आसाम में, आसाम स्टेट के गुवाहाटी में। साथियों, यह है 2 दिवसीय सत्र है, जिसे हमारे होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू किया है। नेक्स्ट एंड लास्ट, हु वाज क्लिंच्ड यूएस ओपन वुमेन सिंगल 2019 टाइटल। किसने यूएस ओपन 2019 का महिला एकल खिताब अपने नाम किया है? तो राइट आंसर है कैनेडियन टीनेजर बियानका एंड्रेसू, कनाडाई टीनेजर बियानका एंडरसू ने। साथियों, इन्होंने सेरेना विलियम्स को हराया है और सेरेना विलियम्स को इन्होंने 6-3, 7-5 से हराया है।
तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, वो कमेंट बॉक्स में डालें। अनअकैडमी ऐप को, हमारे वीडियोज को व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ इसका हिंदी और इंग्लिश का PDF आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।